दोस्तों, सभी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय किसी भी आदत को बनाने के लिए पर्याप्त होता है। धीरे धीरे जब कोई आदत लंबे समय तक चलती है तो वही आदत चक्रवर्ती परिणाम ला देते हैं, यानी परिणाम सफलता बढ़ती जाती है। एक अच्छी आदत किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतनी ही जरूरी है जितना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लक्ष्य और सिस्टम में क्या अंतर है। स्टोल एडम कहते हैं, लक्ष्य का मतलब है वो परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम का मतलब है वो प्रक्रियाएं जो उस परिणामों की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी छात्र अपने एग्जाम में 90+ का लक्ष्य रखता है, लक्ष्य हाई ही होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, परंतु इसको अचीव करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने हैं, समय समय पर रिवीजन करना है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। अगर कोई भी छात्र ऐसा कोई सिस्टम बना लेता है जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, तो 100% छात्र 90+ मार्क्स अवश्य प्राप्त करेगा। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, क्या लक्ष्य को छोड़कर सिस्टम पर ही ध्यान दें? नहीं बच्चों, मेरी बात का मतलब है लक्ष्य सिस्टम दोनों नदी के किनारे जैसे हैं, वो साथ साथ चलते हैं। लक्ष्य दिशा करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है तो सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाओगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए सिस्टम को फॉलो जरूर करें और आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। आज की वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की अच्छाई का कुछ भी अंश मिलता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।